प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गोवा ने विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम हेठ 1330 करोड़ रूपया विकास परियोजनाओं की भेट आपी थी। गोवा पणजी खाते योजना जाहिर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा कायमी संकुल उद्घाटन करूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स नवा केम्पस लोकार्पण कर आ संस्था 28 अभ्यासक्रमों शुरू कर प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में 100 टीडीपी इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फेसिलिटी उद्घाटन कर 500 किलोवोट सोलर पावर प्लांट समावेश थाय छे। प्रधानमंत्री पणजी और रीस मागोस ने जोड़ती प्रवासन प्रवृत्ति साथ साथ पेसेंजर रोपवे शिलान्यास कर्यो हतो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोजगार मेला अंतर्गत विविध विभागों में 1930 नवी सरकारी भर्ती निमणूक आदेशों वितरण करने उपरांत विविध कल्याणकारी योजनाओं लाभार्थियों ने मंजूरी पत्रों सुप्रत कराया। प्रधानमंत्री मोदी आ प्रसंगे जणाव्यु हतुं कि गोवाना लोकोने मोदीनी गेरंटीवाळी गाड़ीथी खूब ज लाभ थयो छे। शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 1900 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी को इन सभी कल्याण कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।